हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडीज के एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो पिछले साल आपके पूछे गए हैं एनटीपीसी का जितने भी क्वेश्चन हैं मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो आ चुके हैं आपके पिछले साल। तो देखिए यहाँ तक मैंने 50 तक डिस्कस कर लिया था कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में एनटीपीसी में। और देखिए 50 तक यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी देख सकते हैं। और 50 से लेकर आपको 100 तक मैं डिस्कस आज करूँगा। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्री में। तो देखिए इसमें 50वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे पहले। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर, जीवी मावलंकर। देखिए जितने भी जीके से क्वेश्चन रिलेटेड जो आते हैं उसको आप यहां से देख लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसका ही आप रिवीजन करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन आप बार बार लगाएंगे तो आपका ये बहुत ही इजी एक पेपर होता है आपका एनटीपीसी। आप 1 या 2 महीने के लगातार मेहनत से भी इसको निकाल सकते हैं बहुत इजली इस एग्ज़ाम को। तो चलिए देख लेते हैं 51 जो क्वेश्चन बोला जा रहा है इसमें। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, इसमें जो जीके पूछे जा रहे हैं वो पहले, जैसे जो पहला जैसे कोई भी भारतीय है उसी से क्वेश्चन इसमें रिलेटेड ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि कमलजीत सिंधु। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है ये देखिए मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, 52 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि एक 12 मीटर लंबा छड़ को 25 बराबर भागों में यदि उसको बांटा जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पे दोस्तों मीटर में दिया हुआ है और इसको 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1200 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 25 भागों में बांटेंगे तो कितना मीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको जैसे इसको काटेंगे तो यहाँ पे 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके बी ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मैथ से रिलेटेड है। इसमें ए प्लस बी बराबर माइनस टू दिया हुआ है, ए माइनस बी बराबर 12 दिया हुआ है, तो बी का मान इसमें पूछ रहा है। तो बहुत ही ईजी समीकरण दिया हुआ है, इसको आप हल कर सकते हैं। ए प्लस बी बराबर माइनस दो दिया हुआ है और ए माइनस बी बराबर 12 दिया हुआ है। तो आप बहुत ही चीज़ सब लोग जानते होंगे, इसको कटा दिया जाता है जो माइनस प्लस में होते हैं और इसको ऐड कर देंगे तो 2a हो जाएगा बराबर आपके यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो a बराबर 5 आपका हो जाएगा, a बराबर आपका 5 हो जाएगा, a बराबर 5 b पूछा जा रहा है। तो किसी में एक में मान रख दीजिए a प्लस बी बराबर माइनस 5 दिया, माइनस 2 दिया हुआ है, अब एक जगह पे इसको रख देंगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 5 हो गया और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा और ये इधर आपका चला जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। तो इसको ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस इधर ला देंगे तो माइनस 7 आंसर आपका आ जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो की दर से ख़रीदता है, उसे 80 किलो आलू 50% लाभ पेता था और बाकी 25% हानि पे बेचे तो उसे कुल कितना लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको कुछ इसमें करना नहीं है, 80 जो दिया हुआ है 80 किलो तो 50% लाभ होता है कितने, यानी कि प्रति केजी के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है तो 80 × 24 कर लेंगे, प्रति केजी के हिसाब से दिया हुआ है यानी कि 1 केजी का यहाँ पर मूल्य 24 केजी है तो 80 केजी × 24 का आपको 50% निकालना है तो 50/100 कर लेंगे। अब इसका आपका आ जाएगा 996 कट के, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे
आपका यहाँ पे कितना, यहाँ पे 25% आपका हानि हो रहा है, यानी कि कितना बचेगा, 80 तो यहाँ हो गया और यहाँ पे टोटल जो दिया हुआ है 120 kg दिया हुआ था, आपका 40 हो जाएगा, यानी कि बचा हुआ है जो 40, इस पर आपका कितना हानि हो रहा है, 25% का हानि हो रहा है, ठीक है। सॉरी, इसमें 24 तो मल्टीप्लाई किया ही जाएगा इंटू 25/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 240। अब आपका 960 और माइनस कर देंगे क्योंकि ये हानि हो रहा है, तो 240, तो आपको 720 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल कितना है आपका, तो टोटल ये आपका है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 × 24, तो ये आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2880। और देखिए आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर में 720 कर देंगे और आपका मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो आपका कट के आ जाएगा यहाँ पे 25%, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, इसमें आपको बोलना है, बताना इसमें कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 50 दिया हुआ है, किसी का क्यूब नहीं है, तो 50 इसमें आंसर हो जाएगा। 125 है आपका 5 का क्यूब, 300 यहाँ पे 43 दिया हुआ है, तो ये भी आपका 7 का क्यूब है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गेनीमेड है, तो आपका ए हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह, ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, सबसे छोटे अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो स्वयं से और एक से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन एक से मान उसका ज़्यादा होना चाहिए। एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। अभाज्य संख्या का परिभाषा है, एक से बड़ी वो संख्या जो एक से और स्वयं से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, तो इसमें 2 आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी, आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि यदि ए 109 कार इतने रुपए में खरीदता है, तो एक कार का मूल्य, तो डिवाइड कर देंगे सीधे इसमें, डिवाइड आप कर देंगे, इतने में डिवाइड कर देंगे 109 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी सशक्त लोग लंबे हैं, अजीत सशक्त है, अब इसमें आपका बताना है निष्कर्ष डिस्कशन में। इसमें देखिए अजीत एक खिलाड़ी है, आपका बिल्कुल गलत है, अजीत लंबा है, ये सही है, अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, गलत है, खिलाड़ी इसमें बात नहीं हुई, अजीत लंबा है, इसमें निष्कर्ष कोई नहीं, ये आपका बी आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए बी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिठाई बनाने में 5 किलो, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध लगता है और 3 कप चीनी लगता है, ठीक है, तो 25 कप दूध में कितनी मिठाई बनाई जाएगी और इसमें आपको कितनी चीनी लगेगी। 25 कप दूध दिए जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी आपकी चीनी की आवश्यकता होगी, तो इसमें आपको देखिए डिवाइड कर देना है, इसे डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि 5 मिठाई आपको बनाना है, तो चीनी कितना लग जाएगा, इसमें आप इससे मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो बचती है 15 कप चीनी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक मिठाई बनाने के लिए आपको 3 कप चीनी की ज़रूरत पड़ती है, तो 5 मिठाई बनाने के लिए आपको बचती है 15 कप चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, जो 61 बोल रहा है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो म्यांमार का। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना बांध कौन है, तो इसमें आपका हो जाएगा
डी ऑप्शन हो जाएगा, कल्ला नाई और ग्रेड अनिकाट, याद आप रखेंगे इसको। द्रविड़ मुनेत्र कडंग यानी कि डीएमके, जो की स्थापना किसने की थी, तो डीएमके की स्थापना आपकी सीएन अन्नामुदाई ने की थी, मुद्रोई ने, अन्नामुद्रोई ने। रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, तो 1913। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे एनटीपीसी में। तो सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने का चांस इसमें ज़्यादा रहता है। तो इस सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखें, यदि आपको समझ नहीं आता है तो प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 65 नंबर देख लीजिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, बुध है। यहाँ पे देखिए 66 नंबर, मोटापे को नापने की निम्न में से किसकी उपयोग की जाती है, मोटापे को नापने के लिए आपको बीएमआई की उपयोग लाया जाता है, बीएमआई को उपयोग में लाया जाता है। जो अनोखा है वह मालूम करें, इसमें देखिए क्या करना है कि इसमें जो भीन है उसको पता करना है। मंदिर, ईंट, महल और घर, मंदिर से आप मंदिर भी बना सकते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ईंट से आप मंदिर भी बना सकते हैं, ईंट से महल भी बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, इसमें भीन कौन है, ईंट, इसमें हो जाएगा ईंट। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं, तो डॉल्फिन के समूह को आपको पॉड कहते हैं, ठीक है। नीचे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, तो कनाडा आपका। नेक्स्ट देख लीजिए 70, यदि बालू बेंजामिन तथा बालू बेंजामिन और बाबूर की औसत यहाँ पर दी हुई है 80, बेंजामिन और बाबूर की औसत यहाँ पर दी हुई है, तो आपको बालू की निकालना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए तीन लोगों की औसत यहाँ पे दी हुई 80 और दो लोगों की यहाँ पर औसत 85 दी हुई है, तो 3 × 80 कर देंगे तो आपका 240 आ जाएगा, और यहाँ पर दो लोगों का निकालना है तो यहाँ पे 2 × 85 कर देंगे, ठीक है। तो आपका मान लीजिए आ गया 0 17, और इसको माइनस कर देंगे तो तीसरे का आ जाएगा, तो इसमें 70 आ गया, तो 70 तीसरे का होगा, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 71 बोल रहा है कि पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है। पीएसएलवी जो है आपका पोलर सेटेलाइट है, ये आपका एक पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। ए क्यू आई से क्या अभिप्राय है, ए क्यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ए क्यू आई एक है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी, एयर की क्वालिटी बताता है, तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि 5x और 8x का HCF तथा LCM क्रमशः 9 और 360 दिया, तो x का मान निकालना है, तो इसमें आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस इंटू मौसा होता है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो 40x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 40x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 9 × 360। तो आप कटा देंगे इससे, अब एक्स स्क्वायर बराबर 2 9 दिया हुआ है, तो एक्स का मान 9 हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। 74 निम्न में से कौन विषम शब्द का, इसमें से विषम शब्द का पता लगाना है, ठीक है, कौन सा अलग है। वेब कैम एक कैमरा होता है, स्पीकर एक जिसमें बोलने का, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन, तो स्पीकर इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। देखिए यहाँ बताते हैं, यहाँ पे 0.05 × 0.4 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5/100 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 4/10 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है।
ट्वेंटी आपका 20/1000 हो गया। अब इसको आप पॉइंट में करेंगे तो 0.002 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहले एक जीरो दिया हुआ 20 के पहले, तो आपका एक पहले आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, इस पाई चार्ट का है क्वेश्चन है। पाई चार्ट के क्वेश्चन में आपको देखिए इसमें दिया हुआ है वायलेंस से संबंधित सेक्टर का आपको मान निकालना है, इनकी कोण निकालना है कि कितना कोण बनेगा। ये पूरे 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और वायलन कितने, वायलन में आपका दिया हुआ है 16%, ठीक है। तो आपको निकालना है कोण निकालना है आपका परसेंटेज में, यानी कि 100% में आपका 100% पे निकलेगा ये। यहाँ पे निकालेंगे जैसे देखिए 100% में आपका 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 16% पे इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड 100 कर दीजिए, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्या है। इसमें बोला जा रहा है कि कुल 300 छात्र हैं, तबला बजाने वाले एवं वीणा बजाने वाले के बीच का अंतर निकालना है। कुल यहाँ पे 360 छात्र हैं, तो तबला बजाने वाले का निकाल लीजिए, उसके बाद वीणा बजाने वाले, और उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 360 मल्टीप्लाई बाई 19% हैं आपके तबला वाले, तो 300 × 19 29/100 कर देंगे जितना आएगा, और उसके बाद बिना बजाने वाले में इसे निकाल के आप 300 × 30/100 जितना आएगा उसको माइनस कर लेंगे दोनों का, आपका आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे लास्ट वाला जो चार्ट पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, जो गिटार बजाते हैं और जो वायलिन बजाते हैं उनका अनुपात क्या होगा। तो जो गिटार आपके बजाते हैं यहाँ पे 25% हैं, जो वायलिन बजाते हैं आपके 16% हैं, तो 25/16 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं वायलिन वाले 16 हैं और 25 हैं। तो पहले पूछा जा रहा है कि गिटार जो बजाते हैं तो गिटार को ऊपर रखेंगे, वायलिन को नीचे रखेंगे, तो आपका अनुपात ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश ने यूएसए को स्टेट ऑफ लिबर्टी भेंट की है, तो आपका हो जाएगा इसमें फ्रांस ने भेंट की थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है तो 20% के लाभ होते, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य बराबर होता है सीपी बराबर आपका 200 हो जाएगा, बटे में इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपका दिया हुआ है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है, आपको ए अनुपात सी निकालना है। तो ए अनुपात बी इंटू बी अनुपात सी कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2/5 × 3/4, तो आपका 6/20 आएगा, यानी कि ये इससे कटा दीजिए 2/, यानी कि 3/10, 3:10 आ जाएगा, 3:10 आपका आंसर आ जाएगा, तो बी हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, राशि नंबर बोल रहा है कि विवरण दिया हुआ निष्कर्ष इसमें कौन सा ही है। बोल रहा है कि इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। दूसरा इसमें देखिए विवरण, कॉलेज की शिक्षा बहुत कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए, ये बात गलत है। दोनों आपकी यहाँ पे गलत बात बोली जा रही है। निष्कर्ष अब देखते हैं क्या बोली जा रही है, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रखता, ये गलत है। गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुँच होनी चाहिए,
गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए, इसमें दोनों निष्कर्ष इसका नहीं हो पा रहा है, तो ये आपका गलत है, यानी कि डी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष कौन हैं? तो ये आपके ये हो जाएंगे वाल्ट डिज्नी, ये हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? सभी जानते हैं कोपेनहेगन्स, ये हो जाएगा कोपेनहेगन हो जाएगा। करंट अफेयर से दिया हुआ, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? आपकी मॉस्को में की गई थी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 पेज प्रतिदिन एक आदमी है जो 7 पेज पढ़ता है प्रतिदिन, पुस्तक में जो पेज है 40 दिन उसको पढ़ने में लगता है, एक पुस्तक को प्रतिदिन 7 पेज पढ़ता है तो उसको 40 दिन लगता है। तो बोल रहा है कि यदि एक पुस्तक 8 दिन में ख़त्म करता है तो पुस्तक में कितने पेज हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। 7 × 40 कर देना है, बटे में 8 कर देना हो तो आपको निकल जाएगा कि एक बुक में कितने दिन, उसमें कितना पेज है। तो इससे मल्टीपल कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, इनकी 35। एक दिन में आपको उसको 35 पेज पढ़ेगा तभी 8 दिन में पुस्तक ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन 87 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो सभी लोग जानते हैं 11, इसमें 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है आपको, दोनों तरफ पे स्क्वायर कर देना है। 88 नंबर देखिए, अंडर रूट एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 दिया हुआ है, इस पर अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आपका जाके लग जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका वाई बराबर 2x, तो वाई यहाँ पे रख देंगे, वाई बराबर 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x² बराबर 625 हो जाएगा। इधर ऐड करेंगे तो आपका 5x² हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि आपका अंडर रूट में हो जाएगा 125, x बराबर, तब आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि ज्योति ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। चित्रा की पुत्री का ज्योति के भाई से क्या रिश्ता है? तो आपका दादा का रिश्ता हो जाएगा, तो इसमें आपका सी हो जाएगा। 90 देख लीजिए, इसमें आपको इसका वैल्यू दे दिया है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है और क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, और इसका निकालना है। तो इसका आप जानते हैं समकोण त्रिभुज से इसको निकालते हैं, तो आपका देखिए कर्ण, ये आपका हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये आधार हो गया। तो कर्ण बराबर होता है आधार कर्ण स्क्वायर, यानी कि आपका मान लीजिए अगर इसको नाम देते हैं पी आर, निकालना है ये पी है ये आर है, पी आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो दोनों को स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, अंडर रूट 100 बराबर 10 आ जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट कर लीजिए, 91 दिया हुआ है, एक विशिष्ट कोड भाषा में एक ड्राइवर को किसान कहा गया, किसान को इंजीनियर कहा गया, इंजीनियर को डॉक्टर कहा गया, तो खेत में कहा गया तो खेत कौन जोतेगा? तो आपका इंजीनियर, तो इसमें आपका सी हो जाएगा आंसर। इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बराबर में, इतना दिया हुआ है
इसको हम जोड़ दीजिए, सॉरी दोस्तों इसको ऐड करना है, तो 3x प्लस दिया हुआ, 3x प्लस 0.04x बराबर 6.608 दिया हुआ। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसको ऐड कर लेंगे, बराबर इतना दिया हुआ है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, अगर आंसर नहीं आएगा तो कमेंट में कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, या नेक्स्ट जो इसका थर्ड सेट थर्ड आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे वर्ष निकालना है, इसमें दिया हुआ है मूलधन आपका दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 850 इंटू आपका यहाँ पे 8 वर्ष प्रतिशत दिया हुआ है, आप समय टाइम निकालना है आपको, बट्टे में 100 कर देंगे। अब बोला जा रहा है कि जो आपका मिश्रधन है 6/6/25 है, किसका मूलधन का, तो मूलधन आपका दिया हुआ है 850, 6/25 करेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है, 25 से इसको कटा दीजिए, 75 हो जाएगा। तो आप करेंगे तो आपका यहाँ पे मूलधन आ जाए, मिश्रधन आ जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100 करेंगे तो टाइम आपका नहीं दिया हुआ, टाइम आपका निकल जाएगा, तो टाइम आपका 3 वर्ष इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, यह जो नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली सर्वप्रथम कुत्ते का नाम, तो लाइकन था इसमें, सभी लोग जानते होंगे। 95 क्वेश्चन देख लीजिए, पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो सोनार का उपयोग किया जाता है, इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा। 96 नंबर जो मांद की मांद के लिए शेर है वही चिड़ियाघर के लिए चिड़ियाएं हैं, तो आपका ये हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, आपको इस तरह के प्रैक्टिस सेट लगाना होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं हार्ड नहीं होते हैं, इसमें टाइम बहुत कम रहता है पेपर में, तो आप जितना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सही होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इस तरह का जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आपका सुधर सकता है, अच्छा मार्क्स आ सकता है एग्ज़ाम में। 97 नंबर देखिए, मनोज एवं हरीश तबला बजाते हैं और केतन एवं हरीश ड्रम बजाते हैं, मनोज एवं जैकब बांसुरी बजाते हैं, जैकब एवं केतन वायलिन बजाते हैं। अच्छे इसमें बोल रहा है कि दो दो कौन कितने लोग बजाते हैं, तो आपके मनोज हो गया, जैकब हो गया, जैकब और केतन हो गया, यानी कि दो दो चार, चार लोग इसमें, देखिए इसमें चार लोग ऐसे हैं जो दोनों यंत्र बजाते हैं, तो इसमें चार ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो के टीका की खोज किसने की थी, तो जैसन सॉल्क ने की थी, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपका अगली श्रेणी क्या होगी, इसमें आपको चूज करना है, यानी कि नेक्स्ट यहाँ पर आने वाली श्रेणी क्या होगी, तो इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप यहाँ से इसको माइनस करते जाएंगे तो आपका पता चल जाएगा कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस जो हो रहा है, यहाँ पे 3, 2, 1 का माइनस हो रहा है, यानी कि 1, 2, 3 घटाते जाएंगे, इसमें 1, 2, 3 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे आपका आंसर हो जाएगा 150 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है और थर्ड भी आपको जल्द ही आ जाएगा, थर्ड सेट जो इसका है, जो आपको 26-27 जितने भी लगातार पूछे गए हैं आपके दिन को और शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगा। यहाँ 100 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 100वां क्वेश्चन, यहाँ पर विवरण और निष्कर्ष दिया हुआ है, इस तरह के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विवरण और निष्कर्ष, दो या तीन।
देखिए, बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं। ये हो गया आपका विवरण, निष्कर्ष अब क्या बोला, सभी माताएं पागल होती है, गलत है। बच्चे अपने माताओं की चीखने के कारण शरारती हैं, भी गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ना तो वन ना ही दो। तो दोस्तों यहाँ पे आप इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपका जल्द ही आपको मिल जाएगा सेट थ्री के लिए। दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।